हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्रोपेट वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जितनी भी लेटेस्ट वीडियो लेके आए बर्ड्स के रिलेटेड, उनकी एक्सेसरीज के रिलेटेड, सो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ पाए और आप उन्हें मिस ना करें। सो आज की वीडियो का टॉपिक है, जो हमारे बर्ड्स हैं वो एग देना बंद कर देते हैं, या वो बच्चे पाल पाल के बीमार हो जाते हैं, या बेसिकली जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, बहुत ज़्यादा गर्मियों में क्या होता है, जो गर्मी के कारण चिक्स नहीं बच पाते, और सेम ऐसा सर्दी में आता है, जनवरी फरवरी में होता क्या है, इतनी ठंड पड़ती है कि जो वो चिक्स होते हैं उनके वो मर जाते हैं, निकलते हैं, थोड़े दिन उनको उनके माँ बाप पालते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। सो होता क्या है बेसिकली, जब वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस टाइम पे, या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है जैसे हम बात कर रहे थे जनवरी फरवरी में, या गर्मियों के टाइम की बात करें तो बेसिकली मई जून में जुलाई में, तो ये 3 महीने गर्मियों के और 3 महीने सर्दियों के हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारे लिए तंग करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी से चिक्स मर जाते हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी से भी चिक्स मर जाते हैं। बट उनसे होता क्या है, वो कुछ दिन जो चिक्स को पालने में मेहनत लगती है हमारे बर्ड्स की, उसके कारण क्या होता है, हमारे जो बड़े बर्ड्स हैं वो खुद बीमार हो जाते हैं, खुद बीमार होके वो खुद मर जाते हैं, कई बार वो बीमार हो जाते हैं, या बेसिकली वो बार बार बच्चों को पाल के इंटरनली वीक हो जाते हैं, सो एग्स देना बंद कर देते हैं, या उनके बेसिकली एग्स में बच्चे नहीं बनते। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे साथ गर्मियों में और सर्दियों में। गर्मियों के 3 महीने हमें जब फुल गर्मी होती है तो तंग करते हैं, और सर्दियों में जब फुल सर्दी रहती है नवंबर दिसंबर में जनवरी में, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम रहती है। बर्ड्स एग देते हैं, बच्चे निकलते हैं, कुछ दिन उनको पालते हैं, 10 से 15 दिन 20 दिन उनको पालने में मेहनत करते हैं, और एंड में आके वो ठंड के कारण या गर्मी में, गर्मियों में पॉक्स हो जाती है, सर्दियों में बेसिकली बच्चे ठंडे हो जाते हैं, ज़्यादा ठंड के कारण मर जाते हैं। सो उसी के कारण एक और बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होती है, कि जो उनके माँ बाप हैं, जो हमारे बड़े बर्ड्स हैं, उनको पालते पालते खुद बीमार हो जाते हैं, खुद बीमार होके मर जाते हैं, या बीमार हो जाते हैं, या उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है ये एग्स। देख सकते हैं ये एग बाउल में हमने रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए ये एक्चुअली सेम जो है एग्स की तरह है, बट ये नॉर्मल एग्स नहीं है, ये देखिए हार्ड एग्स है, स्टैम्प भी दिख रही होगी आपको कुछ इस टाइप से। सो ये प्लास्टिक के हैं, लुक लाइक सेम एग्स की तरह दिखते हैं, सेम इनका वेट है, 30 ग्राम के करीब इनका वेट रहता है, ताकि बर्ड्स को ये ना पता लगे ये ओरिजिनल उनके एग हैं कि ये आर्टिफिशियल एग है। इनको एग्स डमी भी बोलते हैं, इनको फेक एग्स भी बोलते हैं। सो ये एग्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने इन प्रॉब्लम से बचने के लिए, कि हमारे बर्ड्स जो हैं वो वीक ना हो, या सर्दी के टाइम पे बेसिकली उनके बच्चे निकल के मरे ना, गर्मी में बेसिकली पॉक्स से उनके जो चिक्स हैं वो मरे ना। सो उस कंडीशन में आप इन एग्स को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे एग्स हैं। और ये देख सकते हैं, सो इन एग्स का बेनिफिट ये रहता है कि जब भी आपको लगता है कि आपको ब्रीडिंग नहीं करवानी अपने बर्ड से, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, उस कंडीशन में आप ये फेक एग्स को यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट ये रहता है, जब वो आपके ओरिजिनल एग्स ले करते हैं बर्ड्स, तो आप उनको उठा के साइड कर देंगे और ये प्लास्टिक के एग्स उनके नीचे रख देंगे, वो इनको अपने एग्स समझ के पूरा 18 से 20 दिन इनके सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद वो जब बच्चा नहीं निकलता है, तो फिर वो बेसिकली ब्रीडिंग के प्रोसेस में दोबारा से चले जाते हैं, यानी कि दोबारा ब्रीडिंग करने की सोचते हैं, फिर वो 15 दिन 20 दिन के बीच में एग्स ले करते हैं, और ऐसा करने में उनका बेसिकली 1 महीना निकल जाता है। सो जो हमारे सर्दियों के टाइम होता है या गर्मी का टाइम होता है, वो बेसिकली हम 2 से 3 महीने होता है कि हमने उनको
ब्रीडिंग नहीं करवाना, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, तो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। सो बेनिफिट यही मिलता है कि बेसिकली होता क्या है, अदरवाइज़ कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे एग्स दिया, एग्स देने के बाद वो उठा के घेर देते हैं, उठा के घेरने के बाद बर्ड्स फिर थोड़े दिन बाद एग्स रखते हैं, फिर ऐसे वो मल्टीपल टाइम्स काफ़ी बार ऐसा करते हैं कि वो एग दिया, उठाया, घेरा या हटा दिया। उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आती है हमारे साथ, हमारे बर्ड्स बार बार एग दे के इंटरनली वीक हो जाते हैं, जब वो अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं तो एग देना ही बंद कर देते हैं, एग देना बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर वो देते हैं तो साइज़ प्रॉपर नहीं होता, छोटे बड़े होते हैं, कच्चे हो जाते हैं, ये उनका जो शैल है वो प्रॉपर नहीं बन पाता, ये हार्ड नहीं रहता, वो वैसे टूट जाते हैं। और बच्चे अगर उनमें, हम चाहें कि हम उनमें से बच्चे निकलवा लें सर्दियों के टाइम में, गर्मियों के टाइम में, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो बच्चे निकल जाते हैं, वो 15-20 दिन महीना तक होके बड़े होके फिर मर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सो ठंड से मर जाते हैं बीमार होके, या फिर गर्मी में पॉक्स आ जाती है इनमें, पॉक्स हो जाती है इनको, फिंसियाँ निकल जाती हैं, दाने जहरबाद भी जिसे बोलते हैं वो निकल जाती है, सो उसके कारण वो मर जाते हैं। सो होता क्या है, वो जो चिक्स निकले थे वो भी मर गए, वो भी नहीं बचे, और उनको पालने में हमारे बर्ड्स की मेहनत लगी, वो खुद कमज़ोर हो गए या खुद बीमार हो गए, सो हमारे लिए वो डबल लॉस रहता है, बच्चे भी मर गए और हमारे बड़े भी बीमार हो गए या कुछ मर गए, ऐसी प्रॉब्लम आती है। सो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन ये फेक है क्या, सो आप ये यूज़ कर सकते हैं जब आपने अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग ना करवानी हो उस टाइम पे, ताकि उनकी इंटरनली एनर्जी जो है वो वेस्ट ना हो बच्चे पालने में, तो उस टाइम पे आप ये एग्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सलूशन है ये, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि बाद में क्या होता है, अदरवाइज़ हमारे जब बर्ड्स इंटरनली वीक हो जाते हैं, एग्स देना बंद कर देते हैं या बनते नहीं हैं उनमें बच्चे, तो फिर उसके बाद हम फिर शुरू करते हैं, कोई उनको एग फार्मूला दे, कोई मल्टी विटामिन दे, या और चीज़ें हम उनको देना शुरू करते हैं, मेडिसिन देना शुरू करते हैं, फिर उस पर खर्चा करते हैं। सो वो खर्चा भी बचे और हमारे बर्ड्स भी सेफ रहें, हेल्थी रहें, तो उसके लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।